हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज फाइनली फाइनली बहुत दिन से लोग PS5 की जेलब्रेक का वेट कर रहे थे, फाइनली फाइनली वो दिन आ गया है। और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था डेट को 15 अक्टूबर का, तो अभी मैं क्यों ये कह रहा हूं कि जेलब्रेक आ गया है। तो बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे PS5 जेलब्रेक स्टेटस, सिंपली सर्च करते हैं। और उसके बाद फिर और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि PS5 की जो है बहुत जल्दी चर्चा हो रही है और बहुत ही ज्यादा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो दोनों ही चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस जो सेकंड जो पोस्ट है उसको ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको जेल ब्रेक कैसे क्या आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है PS5 IPv6 UEFI कर्नल एक्सप्लॉइट VIF होम ब्रू डेवलपर स्पेक्टर देव अनाउंस द ट्विटर द 4.0 वेबकिट PS5 कर्नल एक्सप्लॉइट इम्प्लीमेंटेशन and released shortly following by the cryptogenic GitHub. Cryptogenic GitHub responsibly an experimental webkit based PS5 4.03 kernel exploits those to see in the PS5 out of test out. यहाँ पर सीधी सी बात है कि कर्नल देव ने जो है 4.03 के वेबकिट के ऊपर से कर्नल एक्सप्लोइट को रिलीज कर दिया है या कर रहे हैं, जो भी आप मान सकते हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको हर चीज अवेलेबल हो चुका होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है और भी चीज जो है देखने के लिए मिलती है कि 4.03 और 4.50 ये दो वर्जन है जिसके ऊपर से PS5 के जेलब्रेक आने के लिए कंफर्म हो रहे हैं। तो 4.03 का तो कंफर्म है और 4.50 भी आ सकता है, उसका भी टेस्टिंग चल रहा है। और ये जो आर्टिकल है आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके लिमिटेशन के बारे में और इसका जो करंट यूज़ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। इसका जो मेन चीज है उस चीज को आपको बताना जरूरी है कि इसका स्टेबल कितना है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नोट्स करके लिखा हुआ है, स्टेबल और दिस एक्सप्लोइट अबाउट 30%, 30% ही क्या है स्टेबल है, 70% फेल हो रहा है बार बार। इस चीज को आप याद रखिए, यदि आपके पास PS5 4.03 वर्जन है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी नए नए जब जेल ब्रेक आता है तो उसको स्टेबल होने के लिए और भी चीज़ जो बग्स होते हैं और भी चीज़ों को जो होती हैं उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी टाइम लगने वाला है, तो आप इतना जल्दी आप इसको इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बात है कि जो PS5 का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल OS जो PS5 था उसको भी हमारे डेवलपर्स ने ब्रेक कर दिए। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे फ्लो है उन्होंने कर दिखाया। और जो फ्लो की बात करूँ तो उन्होंने बताया था कि 15 अक्टूबर को जो एक इवेंट होने वाला है उसमें वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो 4.50 के ऊपर से हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो जिनके पास भी 4.03 जेलब्रेक करवाना चाहते, जिनके पास भी 4.03 का वर्जन है PS5 का, तो वो इस जेलब्रेक का आनंद उठा सकते हैं। पर कौन कौन से गेम हैं, क्या हैं, आप उसको आप खुद चेकआउट कर सकते हैं इस वर्जन में कौन कौन से गेम मिलेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक शायद ही खेलने के लिए मिले, बैक पोर्ट करके वो शायद दे दें, और उसमें भी टाइम लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यदि आपको जेलब्रेक PS5 का जेलब्रेक का आनंद लेना है, उसको देखना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, ताकि जो है असली माल यानी असली स्टेबल जेलब्रेक जब तक ना आए तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
PS4 हो चाहे PS5 हो, उसकी जेल ब्रेक, चाहे वो गेम प्ले हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियोज, हर चीज़ मेरे चैनल पर अभी अवेलेबल है। जाइए चेकआउट करिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कोई और तड़कता भड़कता हॉट टॉपिक के साथ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।